दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई। एक सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र से लेकर राज्य सरकारों को भी आईना दिखाया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि पराली जलाना बंद हो, हम नहीं जानते कि आप इसे कैसे करेंगे, ये आपका काम है। दरअसल सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया कि छोटे और मझोले किसानों को इसके लिए गिरफ्तार नहीं कर सकते, हम पराली प्रबंधन की मशीनों पर 50% छूट दे रहे हैं। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम नहीं जानते आप कैसे करेंगे, पर इसे तत्काल रोका जाना चाहिए और तत्काल कुछ करना होगा। बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को तत्काल पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि कुछ भी करें, लेकिन ये रुकना चाहिए, राजनीतिक दोषारोपण का खेल बंद कर देना चाहिए, नीतियां इन बातों पर निर्भर नहीं हो सकती कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्थानीय स्तर पर SHO जिम्मेदार होंगे और वो DGP और मुख्य सचिव की निगरानी में काम करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच गया है। ऐसे में दिल्ली NCR में रह रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की। अदालत ने कहा, लोग पटाखे खरीदते हैं तो उन्हें जलाते हैं, इसीलिए उनकी बिक्री और बनने पर ही रोक लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये गलत धारणा है कि पॉल्यूशन को रोकने के लिए अदालत है, यहीं पर पर्यावरण से जुड़े मामले क्यों आते हैं, ये हर किसी की जिम्मेदारी है वो एयर और साउंड पॉल्यूशन कम करे। कोर्ट ने अपना पुराना पटाखा बैन करने वाला आदेश बरकरार रखा और कहा कि सभी राज्य प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिशा निर्देश फॉलो करें। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की ऑड इवन योजना को लेकर भी नाराजगी जाहिर की और कहा, सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए वाहनों की ऑड इवन जैसी योजनाएं महज दिखावा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर सरकार को ठोस उपाय करने के लिए कहा। साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट वायु प्रदूषण के इस मामले पर अगली सुनवाई 10 नवंबर को करेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।